आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक, आज हम बात करेंगे इस्कीमिया ट्रायल के बारे में। स्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स में और ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स के बारे में ये एक बहुत बड़ी और लैंडमार्क ट्रायल थी, जिसके बारे में काफ़ी लोग बात करते हैं और कॉमन पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी लोग इसको यूज़ भी करते हैं। तो इसलिए इस बारे में बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई पेशेंट्स या हमें मैसेज भी करते हैं, कई लोग भी कोट करते हैं कि आपकी एलोपैथी में जो इस्कीमिया ट्रायल था या करेज ट्रायल था, उसका डेटा ये बोलता है कि पेशेंट को एंजियोप्लास्टी करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्यों हम ऐसी तार वाली प्रोसीजर करें और क्यों हम ऐसा शरीर के अंदर ऐसी वायर डालें और ये सब बेकार की बातें जो लोग दुनिया भर में करते हैं। तो आज उस इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि देखिए, कॉमन आदमी के लिए ये इम्पोर्टेंट है तो चीज़ें, लेकिन कॉमन आदमी के लिए ये टॉपिक नहीं है कि वो बैठ के सारी ट्रायल्स को पढ़े और उसमें क्या प्लसेस और माइनसेस थे उन चीज़ों को समझने का कोशिश करे। कॉमन आदमी के लिए इतना इजी नहीं है। ऑब्वियसली ये हर एक का फील्ड नहीं है, हर एक का फील्ड ऑफ एजुकेशन और हर एक का फील्ड ऑफ लाइफस्टाइल अलग रहता है, तो ये ट्रायल्स को समझना कॉमन आदमी के लिए मुश्किल है। इसीलिए कई डॉक्टर्स इस चीज़ को यूज़ करके, और जो लोग एंजियोप्लास्टी को अपोज करते हैं या जो लोग एंजियोप्लास्टी के बारे में बुरा बोलते हैं, वो इस ट्रायल को यूज़ करके लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, और एक्चुअल में जो चीज़ का साइंटिफिक एविडेंस है उससे पेशेंट को डाइवर्ट करके डिटॉक्स थेरेपी, कीलेशन थेरेपी, ईईसीपी थेरेपी और सारी दुनिया भर की बकवास की तरफ लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो आज उस बारे में हम बात करेंगे कि ये इस्कीमिया ट्रायल में क्या था जिसको लोग करते हैं और इसकी क्या फैलेसीज थी, ये रियल लाइफ सिनेरियो में क्यों एप्लीकेबल नहीं है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये ट्रायल किया गया था और इसकी क्या प्लसेस माइनसेस थे, उस बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया है जो करेज ट्रायल पर था, वो काफ़ी लेंदी ऑलमोस्ट 20-25 मिनट का वीडियो था, जिसमें हमने करेज ट्रायल की सारी बातों पर डिस्कशन किया था। इस्कीमिया ट्रायल भी लगभग वैसा ही ट्रायल है, लेकिन करेज ट्रायल के कंपैरिजन में कुछ बातें इसमें बेटर हैं, कुछ फैलेसीज जो करेज ट्रायल में थी वो इसमें एड्रेस किया गया था। तो आज इस टॉपिक को हम एड्रेस करेंगे कि इस्कीमिया ट्रायल में क्या डिस्कस हुआ था और क्यों इस चीज़ की क्या रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस है और क्या ये एक्चुअल में ऐसा बोलती है कि एंजियोप्लास्टी का कोई मतलब नहीं है, उस टॉपिक को एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। क्या इस्कीमिया ट्रायल पे, इस्कीमिया ट्रायल और करेज ट्रायल ये दोनों ही इस तरह की ट्रायल्स थी जिसमें पेशेंट जिनको 60-70% का ब्लॉकेज था उनको एंजियोप्लास्टी वर्सेस मेडिकल मैनेजमेंट में कंपेयर किया गया, यानी एक विंग को एंजियोप्लास्टी किया गया एक ग्रुप को और उनको फॉलोअप किया गया, और एक ग्रुप को दवा पर ही रखा गया और फॉलोअप किया गया, और ये कंपेरेटिव एनालिसिस करने की कोशिश की गई कि लॉन्ग टर्म में इनमें से कितने लोग मरते हैं, कितने लोग बचते हैं, कितने लोग को हार्ट अटैक आता है, कितने लोगों को दोबारा एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है, और दवा का रिस्पॉन्स कंपेरेटिवली लोगों की लाइफस्टाइल पर कैसा रहता है एज़ कम्पेयर टू एंजियोप्लास्टी, क्या अर्ली एंजियोप्लास्टी करने से फ़ायदा होगा ऐसे लोगों में या नहीं, उस बारे में उस इश्यू को एड्रेस करने का कोशिश किया है। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल है जो ये सजेस्ट करती है कि ऑब्वियसली इसका रिजल्ट ऐसा आया था कि मेडिकल मैनेजमेंट और एंजियोप्लास्टी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए अर्ली इन्वेजिव स्ट्रैटेजी करके बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, ये इस ट्रायल का रिजल्ट था। लेकिन ये रिजल्ट किस कंटेक्स्ट में आया था, कौन से पेशेंट्स को यूज़ किया गया था और वो रियल लाइफ सिनेरियो में कैसे एप्लीकेबल नहीं है, वो सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि ये ट्रायल को का सिर्फ अगर आप एंड की दो लाइन पढ़ लोगे कि हाँ मेडिकल मैनेजमेंट का रिजल्ट बराबर है तो भूल जाओ एंजियोप्लास्टी को, तो आप काफ़ी इजीली बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं और काफ़ी इजीली लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं कि इस्कीमिया ट्रायल और करेज ट्रायल में ऐसा बोला गया था कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों करना, पैसा क्यों खर्चा करना, दवा फिर चलाओ, ईसीपी करो, जिसका वैसे भी कोई एविडेंस नहीं है। तो वैसी चीज़ों के लिए आप मिसगाइड ना हो, पथ भ्रमित ना हो, आप गलत थेरेपीज़ के चक्कर में पैसे बर्बाद ना करें, उसके लिए इस टॉपिक को समझना ज़रूरी है। इस्कीमिया ट्रायल करेज ट्रायल से थोड़ी नई ट्रायल थी, तो इसलिए इसमें सारे पेशेंट में ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स को यूज़ किया गया था, वो एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि करेज ट्रायल में 97% पेशेंट्स को सादे स्टेंट यूज़ किए गए थे। सादे स्टेंट में रीब्लॉकेज का चांस 25% होता है, दवा वाले स्टेंट में रीब्लॉकेज का चांस 5% होता है। तो ऑब्वियसली अगर इतने ज़्यादा लोग को सादा स्टेंट अगर यूज़ किया गया था, तो करेज ट्रायल का डेटा तो वैसे ही बेकार था कि ऑब्वियसली एंजियोप्लास्टी आम में आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी का स्टेंट यूज़ हुआ। इस्कीमिया ट्रायल में दवा वाले स्टेंट्स यूज़ किए गए थे, सारे 98% पेशेंट्स में दवा वाले स्टेंट यूज़ किए गए थे, जो कि कंटेम्प्रेरी जो प्रैक्टिस है उस हिसाब से ऑलमोस्ट आज के डेट में तो 100% पेशेंट्स को ही दवा वाले स्टेंट यूज़ होते हैं। इसमें लगभग 20-25% पेशेंट ऐसे भी थे जिनका बाईपास सर्जरी हुआ था, उनको भी कंपेयर किया गया था, तो कंपेरेटिवली एक बेटर ट्रायल थी। पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये कंपेरेटिवली
करेज ट्रायल जैसा ही ये भी स्टेबल अंजाइना के पेशेंट्स में थी, ये अनस्टेबल अंजाइना और हार्ट अटैक के पेशेंट्स में नहीं की गई थी। ज़्यादातर पेशेंट जिनका एंजियोप्लास्टी किया जाता है वो हार्ट अटैक के सिनेरियो में होता है या अनस्टेबल अंजाइना में किया जाता है। स्टेबल अंजाइना और अनस्टेबल अंजाइना में जमीन आसमान का फर्क होता है। स्टेबल अंजाइना का मतलब पेशेंट को महीनों सालों से वो ब्लॉकेज बना हुआ है, अपनी स्थिति पर बिगड़ नहीं रहा है और वो पेशेंट को लगभग उतने ही सिम्टम्स है, महीनों सालों से बिगड़ नहीं रही है सिचुएशन, उसे स्टेबल अंजाइना बोलते हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो अनस्टेबल अंजाइना के लिए होते हैं, जिनको पिछले 3-4 महीनों में सिम्टम्स डिटोरिएट हुए होते हैं, ब्लॉकेज बड़ा होता है, सांस फूलने की तकलीफ बड़ी होती है। ऑब्वियसली आदमी तभी आपके पास डॉक्टर के पास आएगा ना जब उसको सांस फूलना बड़ा है। जो आदमी को सालों से उतनी ही सांस फूल रही है और सालों से थोड़ा सा चलने में जिसको थोड़ा पेन होता है वो आदमी डॉक्टर के पास ज़्यादातर जाता ही नहीं है। आपके पास पेशेंट कब आएगा जब उसको लगेगा कि हाँ यार मैं पहले 4 किलोमीटर चल पाता था, अभी सडनली ऐसा क्या हो गया कि मैं 1 किलोमीटर चलने में भी हाफ छूट रही है, ऐसा क्या हो गया कि मेरे को थोड़ा बहुत भी चलने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, छाती में भारीपन लग रहा है, तभी पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में 50% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो तो हार्ट अटैक लेके आते हैं, या जिनके ट्रोपोनिन एंजाइम्स एलिवेटेड होते हैं, या जिनको बड़ा हार्ट अटैक होता है जिसे एस्टिलेवेशन एमआई बोलते हैं। तो ये मैं तो वो तो पहले ही ट्रायल्स एक्सक्लूडेड हो गए क्योंकि उसमें तो एंजियोप्लास्टी करना ही करना है, बात खत्म। अनस्टेबल अंजाइना वाले पेशेंट भी जिनका ऑलमोस्ट 30-40% पेशेंट में जो एंजियोप्लास्टी किए जाती है एनएसटीएमआई और अनस्टेबल अंजाइना पेशेंट्स में, वो भी इस ट्रायल से एक्सक्लूडेड थे, वो भी इन ट्रायल में इंक्लूड नहीं किए गए थे। यानी ये ट्रायल में जो पेशेंट इंक्लूड किए गए थे वो वैसे पेशेंट थे जो महीनों सालों से जिसमें 70% ब्लॉकेज के आसपास था और वो स्टेबल थे, जिनकी कोई बिगड़ नहीं रही थी हालत, तो इसलिए उनमें वैसे भी कुछ नहीं होने वाला था। वो पेशेंट जो पहलों सालों से स्टेबल थे वो आगे भी अगले 2-4 साल स्टेबल रहने वाले हैं। दूसरा, इस ट्रायल का फॉलोअप पीरियड खाली 3.2 ईयर्स का था। इनिशियली इन्होंने प्लान किया था कि हम इसको लगभग 5-7 साल तक कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से इनको जल्दी ट्रायल बंद करना पड़ा। तो इसमें प्रॉब्लम यह आई कि 3 साल का फॉलोअप किया। अब जो पेशेंट सालों से स्टेबल चल रहा है वो 3 साल में मर ही जाएगा ऐसा ट्रायल डेटा शो कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो स्टेबल रहने वाले पेशेंट हैं ये सालों तक स्टेबल रह सकते हैं। कई हमने भी पेशेंट ऐसे देखे जिनको 10 साल पहले एंजियो में 60-70% था और 10 साल बाद भी 60-70% ही है। तो उन पेशेंट में तो वैसे भी एंजियोप्लास्टी में आपको कोई बेनिफिट नहीं दिखने वाला था क्योंकि वो पेशेंट को वैसे ही मृत्यु दर बढ़ने वाला नहीं था, वो स्टेबल पेशेंट्स थे। तो स्टेबल अंजाइना के पेशेंट्स में इस ट्रायल ने शो किया कि आपको दवा पर अगर आप रख रहे हो, पेशेंट स्टेबल है, बिगड़ नहीं रहा है, तो उसमें आप काम चला सकते हो। आपको एंजियोप्लास्टी करने का मतलब उसमें ज़्यादा नहीं है, मृत्यु दर में फ़ायदा नहीं होगा, सिम्टम रिलीफ में फ़ायदा होगा। यानी पेशेंट को जो सांस फूलने का प्रॉब्लम था, जो छाती में दर्द होने का प्रॉब्लम था, बार बार हॉस्पिटल एडमिशन का जो प्रॉब्लम था, वो सब चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये पॉपुलेशन वैसे भी बेसलाइन थोड़ी लो रिस्क पॉपुलेशन ही थी, इसमें ब्लॉकेज वैसे भी 60-70% ही था, तो वैसे पेशेंट में आपको करने का कुछ ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं था। तो ये ट्रायल में बड़ा इशू ये था कि एक तो फॉलोअप ड्यूरेशन बहुत कम था, स्टेबल एंजाइना के पेशेंट थे जो कि कंपेरेटिवली लो रिस्क पेशेंट्स थे, नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। 5,000 पेशेंट्स की ट्रायल थी जो कि बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता। ज़्यादातर जो भी लैंडमार्क ट्रायल्स होते हैं उसमें 15,000 से 20,000 पेशेंट होते हैं, तो ज़्यादा डेटा आपको मिलता है, ज़्यादा लोग कंपेयर करने को मिलते हैं। ये ट्रायल में इनिशियली प्लान किया था कि 7-8 हज़ार लोग को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और जो भी इनको इशू हुए, इन्होंने ट्रायल को पहले से ही कट डाउन कर दिया, ज़्यादा लोग रिक्रूट नहीं कर पाए, इसकी वजह से ये ट्रायल में खाली 5,000 लोग ही ऐड हो पाए, तो कंपेरेटिवली डेटा की वैल्यू कम हो जाएगी। इस्कीमिया ट्रायल का बेसिक फुल फॉर्म ये एक इंटरनेशनल स्टडी ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इफेक्टिवनेस एंड मेडिकल एंड विथ मेडिकल एंड इन्वेजिव अप्रोचेस, यानी कि ये दोनों अप्रोचेस को कंपेयर करने का ट्रायल था। ये ट्रायल में एक और अच्छी बात ये थी कि ये ट्रायल फार्मा कंपनी स्पॉन्सर्ड होने के बदले ये ट्रायल अमेरिकन जो हेल्थ केयर सोसाइटी है, जो US नेशनल हार्ट एंड लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट जो है, USHLBI करके इंस्टीट्यूट है, इसने स्पॉन्सर किया था। तो ये माना जाएगा कि ये उतने ज़्यादा बायस्ड डेटा इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रायल थी एज कम्पेयर टू फार्मा कंपनी स्पॉन्सर्ड ट्रायल। फार्मा कंपनी स्पॉन्सर्ड ट्रायल्स में डेफिनेटली वो लोग थोड़ा सा बायस, उनका जो प्रोडक्ट को उनको प्रमोट करना है उस पर थोड़ा सा बायस रह सकता है, थोड़ा डेटा बायस मिल सकता है। तो ये ट्रायल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थी इसलिए ये इसमें अच्छी बात थी। तो करेज ट्रायल के कंपैरिजन में कुछ चीज़ें इसमें अच्छी थी।
एक और बात जो इसमें ये अच्छी थी कि करेज ट्रायल में क्या था कि किसी भी पेशेंट जिसका 70-80% ब्लॉकेज था उसको उन्होंने एनरोल कर दिया। अब वो बाय चांस अगर ब्लॉकेज बहुत छोटी नली में है तो वैसे भी कुछ पता नहीं चलेगा, कितने लोग ऐसे थे जिनकी छोटी नली में ब्लॉकेज था, कितने लोग ऐसे थे जिनकी बड़ी नली में ब्लॉकेज था, कितने लोग ऐसे थे जिनका लेफ्ट मेन में था या एलईडी में ब्लॉकेज था, वो सारे पेशेंट्स का कोई असेसमेंट करेज ट्रायल में नहीं हुआ था। इस ट्रायल में कंपैरेटिवली उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था कि जो आदमी में ब्लॉकेज ऐसी नली में है जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के 10% से ज़्यादा एरिया को सप्लाई कर रही है तो उनको इन्होंने इंक्लूड किया था। 10% का एक कट ऑफ रखा था, यानी कि जिन लोगों का 1 या 2% एरिया सप्लाई कर रही है उनको पहले हटा दिया था। ये करेज ट्रायल में एक और मिस्टेक थी। करेज ट्रायल में क्या था कि जो भी बंदा जिसका छोटी मोटी नली में भी ब्लॉकेज है उनको भी इंक्लूड कर लिया था, तो वैसे लोगों में तो वैसे भी अब मृत्यु दर कम ही होने वाला है क्योंकि उनकी एरिया सप्लाइड ही बहुत कम है, स्मॉल वेसल एरिया थी, तो वैसे लोगों में तो अब दवा पर भी रखा हूँ तो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो करेज ट्रायल की एक और फैलेसी को इस ट्रायल ने असेस किया था। लेकिन इसमें भी एक और इशू ये कि जो 10% का कट ऑफ भी रखा है वो भी ज़्यादा नहीं है। अब जो लेफ्ट एंट्रल डिसेंडिंग आर्टरी है वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल का 60-70% एरिया सप्लाई करती है, जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो 10-15 या 25% तक एरिया सप्लाई करती है, आरसीए भी ऑलमोस्ट 15-20% एरिया सप्लाई करती है, यानी जो 10% का कट ऑफ है वो भी काफ़ी कम है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेज जिनको बड़ी आर्टरी का इन्वॉल्व है वो हालांकि ये 10% का मिनिमम का कट ऑफ था, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, पर 10% का कट ऑफ भी कम है क्योंकि जो ज़्यादातर पेशेंट जिनको एंजियोप्लास्टी की जाती है वो एलईडी या आरसीए या सर्कमफ्लेक्स बड़ी नलियों में की जाती है, तो उसमें जो एरिया इन्वॉल्व है वो 10% से ज़्यादातर केस में ज़्यादा होता है। तो वैसे केसेस में जहाँ 30-40% एरिया इन्वॉल्व है वहाँ पे आपको दवा पर चलाने में कितना फ़ायदा होगा ऐसा कोई कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं हुआ। 10% मतलब कंपेरेटिवली फिर भी थोड़ा कम एरिया हो गया, हालांकि इनको आप सेम ग्रुप में नहीं रख सकते, जिसमें 10% इन्वॉल्वमेंट है उसका रिस्क कंपेरेटिवली कम होगा, जिसमें 20 है उसमें ज़्यादा होगा, जिसमें 50% है या एलईडी का इन्वॉल्वमेंट है उसमें और ज़्यादा होगा, लेफ्ट मेन है तो 90% एरिया इन्वॉल्व है तो उसमें और ज़्यादा होगा। तो ये सारे लोग को आप एक ग्रुप में कैटेगराइज नहीं कर सकते, जिसमें 10% है तो उसमें रिस्क अलग कैटेगरी में आएगा, जिसमें 30% है उसमें अलग कैटेगरी में आएगा, जिसमें 80% है उसमें अलग कैटेगरी में आएगा। तो इसमें से किसको ज़्यादा फायदा मिला कितना नुकसान मिला इनको सेपरेटली अगर आप एनालिसिस करोगे तो ज़्यादा क्रेडिबल आपको रिजल्ट मिलेगा। 10% वाले को अगर आप 80% वाले ग्रुप के साथ क्लब करोगे तो रिजल्ट हमेशा डाउटफुल आएगा, क्योंकि आपको भी पता नहीं चलेगा कि इसमें से एक्चुअल में कितने पेशेंट थे जिनका बहुत छोटी नली इन्वॉल्वमेंट थी तो उनको एंजियोप्लास्टी करने से वैसे भी फायदा नहीं होने वाला था। जो लोग बड़ा इन्वॉल्वमेंट था उनको लेफ्ट मेन वगैरह था उनको तो पहले से एक्सक्लूड कर दिया गया था ट्रायल से, जो हाई रिस्क पेशेंट्स थे तो उनको पहले से एक्सक्लूड कर दिया गया था, तो उनको आप इसके साथ क्लब करेंगे तो रिजल्ट आपको डाउटफुल ही मिलेंगे। एक और बड़ा इशू इस ट्रायल में ये था कि जितने भी लोगों में हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा था, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा थे, पंप फंक्शन 35% से कम था, लेफ्ट मेन नली का ब्लॉकेज था, चलने फिरने में क्लास सिम्टम्स बहुत ज़्यादा थे, थोड़ा भी चलने में जिनको सांस फूलती थी, जो लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को प्रेफर नहीं करते थे वो सारे लोग को पहले से ही ट्रायल से एक्सक्लूड कर दिया गया था। अब रियल लाइफ सिनेरियो में कम से कम 50% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनका पंप फंक्शन डाउन होता है, उनका सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, रीसेंट हार्ट अटैक होता है, अनएक्सेप्टेबल एंजाइना होता है, वो दवा पर नहीं चला सकते, वैसे लोग होते हैं। अब ऑब्वियसली कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमको पेन नहीं झेलना, हमको प्लास्टिक कर दो, ये कर दो, हमको ट्रीटमेंट करवाना है, रोज़ रोज़ का पेन नहीं झेल सकते, तो वैसे लोग को अगर आप पहले से एक्सक्लूड कर दोगे तो आपको डेटा उतना अच्छा नहीं मिलेगा। आप मतलब जानबूझ के ऐसे लोग को सिलेक्ट कर रहे हो जिसमें आप लंबा दवा के ट्रीटमेंट को चला सकते हो। जो लोग पहले से ही परेशान हैं, जो लोग पहले से ही पेन में हैं, जो लोग पहले से हार्ट अटैक आ चुका है, जिनका पहले से पंप फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है, उनमें ही एंजियोप्लास्टी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलना है। पर वैसे लोगों को अगर पहले से आप एक्सक्लूड कर दोगे तो ट्रायल डेटा वैसे ही बायस्ड हो जाएगा मेडिकल मैनेजमेंट के तरफ। नेक्स्ट एक और इस ट्रायल में इशू ये था कि इसमें कंपैरेटिवली मेडिकल मैनेजमेंट जो कंटिन्यू किया गया है वो मेडिकल मैनेजमेंट का सक्सेस रेशियो पेशेंट्स में ऑलमोस्ट 90-95% था। ये करेज ट्रायल का भी प्रॉब्लम था कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आप 4-5 साल तक पेशेंट को फॉलोअप करते हो तो मैक्सिमम 40-50% लोग ही दवाई को कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादातर बड़े एजुकेटेड कंट्रीज़ में भी, जहाँ यूएस वगैरह में है, जहाँ ज़्यादातर लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं, फिर भी लगभग 50% से ज़्यादा लोग दवा को कंटिन्यू नहीं करते हैं, थोड़े टाइम में बहुत सारे लोग बंद कर देते हैं। बहुत अच्छा अगर डॉक्टर का काउंसलिंग और सब कुछ भी रहा तो भी 70-75% लोग ही दवा कंटिन्यू करते हैं। ये ट्रायल में दवा का कंटिन्यूएशन रेशियो 90-95% तक था, जो कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप का हर पेशेंट ही दवा को बहुत अच्छे से फॉलो करेगा, सारे लोग व्यसन को छोड़ देंगे, सारे एडिक्शन छोड़ देंगे, सारे एक्सरसाइज करने लगेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल करेंगे, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का जो एडवांटेज है वो
ऑब्वियसली ज़्यादा दिखने लगे हैं क्योंकि ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते, थोड़े टाइम में लोग नॉनवेज भी चालू कर देते हैं, दारू भी चालू कर देते हैं, स्मोकिंग भी चालू कर देते हैं, दवा भी कम कर देते हैं, दवा कम करने के लिए डॉक्टर पर प्रेशर भी डालते हैं कि दवा को कम करो, जल्दी जल्दी कम करो, हमको दवा नहीं खा सकते हैं। तो ये चीज़ों की वजह से रियल लाइफ में आप इस डेटा को नहीं मान सकते क्योंकि ये ट्रायल डेटा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कंपेरेटिवली मेडिसिन पर कंटिन्यू करवाया गया 3-3.5 साल तक, जो कि एक्चुअल रियलिटी में नहीं होता है। एक्चुअल रियलिटी में बहुत ज़्यादा लोग दवाओं को छोड़ देते हैं। तो ये भी इस ट्रायल का एक बड़ा फैलेसी था जिसकी वजह से हम इस डेटा को रियल लाइफ सिनेरियो में नहीं मान सकते हैं। मैंने जो आपको बताया एक वो बहुत इंपॉर्टेंट करिस ट्रायल के प्रति बेनिफिट ये था कि बहुत छोटी वेसल्स वालों को इसमें इंक्लूड नहीं किया था गया था, मेडिकेटेड स्टेंट्स वालों को इंक्लूड किया गया था। तो ये करिस ट्रायल के कंपैरिजन में इस्कीमिया ट्रायल में बेनिफिट था। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रायल थी इसलिए बायस होने का चांस कंपेरेटिवली कम था, तो ये भी इस ट्रायल का बेनिफिट था। लेकिन इस ट्रायल में भी वही फैलेसीज थी काफ़ी जो करिस ट्रायल में थी कि ये ट्रायल में क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के स्टेबल पेशेंट्स को कंपेयर किया गया था जिसकी वजह से, और दवा का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो हुआ था जो कि एक्चुअल में रियलिटी में हो नहीं पाता, तो वो सब चीज़ों की वजह से ये डेटा को हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में या सारे लोगों में इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते कि हर आदमी में ये एंजियोप्लास्टी बेकार है, वैसा हम नहीं मान सकते क्योंकि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में 80-90% जिनका प्लास्टी हो रहा है वो हार्ट अटैक के सिनेरियो में हो रहा है या अनस्टेबल एंजाइना में हो रहा है। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के बहुत सारे पेशेंट इंडिया में डॉक्टर के पास ही नहीं आते हैं, तो वैसे वाले पेशेंट को हम मान के चले कि उसमें एंजियोप्लास्टी नहीं करो तो चलेगा। लेकिन जहां हार्ट अटैक की बात आती है, जहां अनस्टेबल पेशेंट्स की बात आती है, जहां मेन नली के ब्लॉकेज की बात आती है, जहां 70-80% टिश्यू ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, पंप फंक्शन डाउन है, चलने में सांस फूल रही है, वहां आपको एंजियोप्लास्टी करने से ही फायदा मिलेगा। ये ट्रायल में भी जैसे कि करिश ट्रायल में बोला गया था, एक और बड़ा इशू ये था कि एट द एंड ऑफ द डे 25% लोगों ने बाद में प्लास्टिक करा ही ली जिनको इनिशियली आपने दवा पर रखा था। तो ऑब्वियसली ये भी ट्रायल का एक फेलियर ही माना जाएगा कि अगर 25% लोग जिनको आपने दवा पर रखा था 3 साल के अंदर उन्होंने जाके एंजियोप्लास्टी करा ली, मतलब दवा से सक्सेसफुल वो आउटकम नहीं हो पाया था उनका, तो वो लोगों को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि जो लोग को आपने एंजियोप्लास्टी नहीं की बाद में उनको मजबूर होकर जाके एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी जिसे क्रॉसओवर बोला जाता है ट्रायल में, तो अगर 25% लोगों ने जाके एंजियोप्लास्टी करा ली तो ये काफ़ी बड़ा है। इस करिश ट्रायल में भी ऑलमोस्ट 25-30% लोगों ने बाद में जाके एंजियोप्लास्टी करा ली थी 4 साल के पीरियड में। तो अगर लोग जाके एंजियोप्लास्टी करा रहे हैं तो आप कैसे मान सकते हैं कि दवा का मैनेजमेंट बिल्कुल बराबर ही हुआ? दवा वाले पेशेंट अगर जाके एंजियोप्लास्टी करा रहे तो एक्चुअल में यही तो हम देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग को मजबूरी में जाके एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ा या जिनको मृत्यु हो गई या जिनको हार्ट अटैक वगैरह आया। तो अगर क्रॉसओवर्स का परसेंटेज इतना ज़्यादा है जैसे 25% इस ट्रायल में था, तो वो भी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम माना जाएगा एज कम्पेयर टू जो लोग को मेडिकल मैनेजमेंट पर रखा जाता है। क्रॉसओवर परसेंटेज नॉर्मली इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ट्रायल पीरियड में लगभग 5,000 लोगों में इन्वेजिव प्रोसीजर किया गया था और 1,700 लोगों जो कॉन्जर्वेटिव ग्रुप में थे उनमें भी प्रोसीजर किया गया, यानी कि क्रॉसओवर्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा था। इस वजह से ये ट्रायल्स को, ऑल्दो ये ट्रायल में कंपेरेटिवली जो डेटा है वो खरीज ट्रायल से ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा क्रेडिबल है, लेकिन फिर भी ये डेटा कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं बोलता कि आपको दवा गोली वाला ट्रीटमेंट पर ही हर पेशेंट को रखना है। उसमें भी आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि सिर्फ स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट के लिए ट्रायल था, अनस्टेबल पेशेंट में सबको आपको प्लास्टिक करना ही पड़ेगा, और उसमें भी स्टेबल एंजाइना वाला पेशेंट भी 2-4 साल तक तो फिर भी दवा मत चला लेगा, 25% पेशेंट फिर भी आपको एंजियोप्लास्टी जाके करा लेंगे, लेकिन लंबे समय तक आपका पेशेंट सिर्फ मेडिसिन पर ज़्यादा नहीं खींच पाएगा क्योंकि उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं जाके प्लास्टिक करवानी पड़ेगी। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि इस्कीमिया ट्रायल की क्या फैलेसीज थी और इस्कीमिया ट्रायल के डेटा को क्यों लोग जो यूज़ कर रहे हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कि इस्कीमिया ट्रायल में ऐसा बोला गया था और अब आपको प्लास्टिक कराने की ज़रूरत नहीं है तो आप कीलेशन थेरेपी करा लो कि ECP करा लो, तो ये कम्प्लीटली फॉल्स क्लेम्स है, ये कम्प्लीटली गलत है। इस्कीमिया ट्रायल में ऐसा कुछ नहीं बोला गया था और उसका जो डेटा है वो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के पेशेंट के लिए था जो कि एक्चुअल में रियलिटी में सिर्फ 10-20% ऑफ द पेशेंट जिसमें एंजियोप्लास्टी होती है वो कंट्रीब्यूट करता है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स मान के चले चले आप 80% ना भी माने तो एटलीस्ट 60-70% पेशेंट जिनका एंजियोप्लास्टी होता है वो या तो हार्ट अटैक वाले होते हैं या अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स होते हैं। बाकी लोगों में इंडिया में कंपेरेटिवली ट्रायल ये डेटा
क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट्स ही कम है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हर आदमी अपना रेगुलर ट्रेडमिल वेडमिल कराता रहता है, तो जब भी उसको पता चलता है कि ब्लॉकेज है तो उसको एटलीस्ट वो स्टेबल एंजाइना की कैटेगरी में आ जाता है, फिर उसको आप वेट एंड वॉच करके फॉलोअप कर सकते हो। इंडिया में हर आदमी को जाके ट्रेडमिल कराता ही नहीं है, हर आदमी तभी डॉक्टर के पास आता है जब उसको हार्ट अटैक हो जाता है, तो वैसा पेशेंट को आप स्टेबल एंजाइना की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। वैसे डेटा वैसे पेशेंट्स में आप करेज और इस्कीमिया ट्रायल का डेटा नहीं लगा सकते, क्योंकि उस ट्रायल में उन लोगों को स्टडी ही नहीं किया गया था। तो आज के टॉपिक में हमने इस्कीमिया ट्रायल की क्रिटिसिजम्स की, और डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो लोग करेज और इस्कीमिया ट्रायल का यूज़ करके आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आप उनसे बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये ट्रायल्स को आप चाहें तो देखिए, मेरी बात को मानने का कोई ज़रूरत नहीं, आप गूगल पे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, पबमेड इंडेक्स आर्टिकल है, आप इसको गूगल पे पढ़ लीजिए, आपको सारा डेटा मिल जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है, करेज ट्रायल और इस्कीमिया ट्रायल एक्चुअल में क्या थे, ये आप खुद देख लीजिए गूगल पे, तो आपको बेटर समझ में आएगा जो मैंने बोला उसकी एक एक बात को आप कंपेरेटिव एनालिसिस कर लेंगे, तो आपको थोड़ा बेटर असेसमेंट मिल जाएगा कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मैं क्यों एंजियोप्लास्टी को फेवर कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू मेडिकल मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें कौन से पेशेंट में कर रहा हूँ ये भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, तो आपको थोड़ा बाकी लोगों के जो आपको गाइड कर रहे हैं उससे आप थोड़ा बच पाएंगे। हम चाहते हैं कि आपके लिए ये सब कंटेंट इसीलिए अवेलेबल हो, आप इसको समझ सके, समझा सके, अपनी लाइफ को बेटर बना सके, ताकि आपको कोई आदमी मिसगाइड नहीं कर सके और आपको कोई आदमी चीट ना कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए, और यदि आपकी कोई कमेंट्स क्वेरी सजेशंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बताइए, हम डेफिनेटली उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। कोई टॉपिक्स भी अगर आपके दिमाग में जो आप चाहते हैं फ्यूचर में हम कवर करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उन्हें भी कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा, डेफिनेटली आपको इससे कुछ समझने को सीखने को मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और उस कंटेंट को इंग्लिश में देख सकते हैं। थैंक यू।